भारत ने अपने T20I स्क्वाड का कर दिया ऐलान। जो खेलेगा भारत पाक ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 5 मैचों की T20I श्रृंखला जो वर्ल्ड कप के बाद तुरंत बाद चालू होने वाली है। ये थर्सडे से शुरू हो जाएंगे मुकाबले। यहाँ पर भारत के कप्तान नजर आएंगे सूर्य कुमार यादव, जहाँ वाइस कैप्टन उफ कप्तान होंगे ऋतुराज गायकवाड़। VVS लक्ष्मण की कोचिंग में खेलेगी ये टीम, जहाँ पर श्रेयस अय्यर आखिरी के 2 मुकाबले में आ जाएंगे बतौर वाइस कप्तान। बताएं आपको, यशस्वी जायसवाल का भी नाम है, तिलक वर्मा का भी, रिंकू सिंह को भी यहाँ पर मिली है जगह, और ऑलराउंडर्स के लिस्ट में वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और शिवम दुबे का नाम है। विकेट कीपर के अंदर ईशान किशन और जितेश शर्मा को मिली है जगह। गेंदबाजों की लिस्ट में रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और मुकेश कुमार की है जगह ये टीम के अंदर। ये क्या बताती है, देखिए जहाँ सूर्य कुमार यादव मुझे खेलते हुए नज़र आते हैं, आपके ओपनर्स के अंदर मुझको क्या ईशान किशन को ओपन करवाना चाहिए, ये एक सवाल है। क्या T20 में उनकी जगह बनती है, ये एक सवाल है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आप KL राहुल तो होंगे ही अगर आप मेन टीम अगर बनाएंगे तो जहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर जहाँ तक बात है तो क्या इनको ईशान किशन से ओपन करवानी चाहिए। आई एम नॉट 100% सर्टेन। आप यशस्वी जायसवाल को लाए हैं, आप उनको खिलाना चाहेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ को भी आप मौका देना चाहेंगे, तिलक वर्मा को आप यहाँ खिला सकते हैं, आप रिंकू सिंह को भी मौका देना चाहेंगे, सूर्य कुमार यादव भी आपके पास होंगे, और गेंदबाज के ऑलराउंडर्स के अंदर आप वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल में से कोई एक को आप खिलाएंगे, वहाँ पर आप रवि बिश्नोई को आप खिला पाएंगे क्योंकि आपने उनको रखा है एज आपके विकल्प में। अर्शदीप सिंह मुझे तो पक्का खेलते हुए नजर आएंगे, मुकेश कुमार या आवेश खान में से कोई एक, प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए नजर आएंगे, तो ये कुछ मेरे हिसाब से बन सकती है ये श्रृंखला में टीम। क्या भारत हरा सकता है, तो कहूँगा हराने का दमखम तो इस टीम के पास भी मुझे लगता है कि रखते हैं ये टीम। और यहाँ पर मेन खिलाड़ी ज़रूर नहीं उपलब्ध हैं क्योंकि इन्होंने ले लिया है रेस्ट, क्योंकि वर्ल्ड कप में फाइनल में मिली करारी हार थी भारत को, पूरा टूर्नामेंट में जीतने के बाद एक आखिरी मुकाबला हारा भारत, लेकिन तो भी अच्छा खेल दिखाया हमारी टीम ने, और इसलिए उसे सपोर्ट करते हैं, बरकरार रहना चाहिए फॉर द ब्लूज़। जहाँ पर ये हैशटैग टीम इंडिया का, ये बिलीव इन ब्लूज़ का जो ये है, इसको लगाइए और मेरे ये वीडियो को शेयर करते जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।